हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज की वीडियो में मैं आपको सावन शिवरात्रि की पूजा विधि सिखाने वाली हूँ कि किस प्रकार से आप सावन की शिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं मेरे चैनल पर शिवरात्रि से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं, तो उन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उनमें से जो भी वीडियो आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने रंगोली बना ली है। किसी भी पूजा में रंगोली बनाना बहुत शुभ होता है। इसके ऊपर मैं पीला कपड़ा बिछा रही हूँ। पीले की जगह आप लाल रंग का कपड़ा भी बिछा सकते हैं, और सावन का महीना चल रहा है तो आप चाहें तो हरे रंग का कपड़ा भी बिछा सकते हैं। तो लाल, पीला या हरे रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके बाद सबसे पहले गणपति जी की पूजा करेंगे। उन्हें चंदन, रोली, वस्त्र रूपी मोली, चावल, दुर्वा और फूल अर्पित करेंगे। जो भी फूल आपको मिल जाए उन फूलों से आप पूजा कर सकते हैं। अगर किसी कारण से फूल ना मिल रहे हो तो उनके बिना भी पूजा करी जा सकती है। इसके बाद अब भगवान शिव का अभिषेक कराएंगे। तो आपके मंदिर में जो भी भगवान शिव की मूर्ति हो उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं, या फिर ऐसे मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर घर में शिवलिंग हो तो उन्हीं की कर लें आप। तो ये देखिए, सबसे पहले शिव जी को मैंने गंगा जल से, आप ज़रूर पानी में गंगा जल मिलाकर आज के दिन आप ज़रूर शिव जी का अभिषेक करें, शिवलिंग का अभिषेक करें। जगह जगह से लोग कांवड़ लाकर भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक कराते हैं। तो सावन के महीने में कभी भी आप शिव जी का अभिषेक करें तो उसमें गंगा जल ज़रूर से मिलाएं, थोड़ा सा ही भले ही क्यों ना आप मिलाएं। तो मैंने गंगा जल पानी में मिलाकर पंचामृत और सादे जल से अभिषेक किया है। इसके बाद भगवान को चंदन लगाएंगे, और इसके बाद सफ़ेद चंदन भी मैं लगा रही हूँ। अगर आपके पास सफ़ेद चंदन हो तो वो भी लगाएं, और सिर्फ पीला चंदन हो तो वो अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को भी हम चंदन लगाएंगे, और माता गौरी को यानी माता पार्वती को हम रोली लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे। साथ ही साथ आप माता पार्वती को सिंदूर लगाएं, उसके बाद आप माता से ये प्रार्थना करें कि आप सदैव माता की तरह ही आपका सौभाग्य में वृद्धि होती रहे, सुहाग में वृद्धि होती रहे। तो आप माता को सुहाग लगाकर जो भी आप लगाएंगी वो अपने माथे पर, अपने हाथों पर ज़रूर से लगाएं। इसके बाद भगवान शिव को मैंने भस्म अर्पित करी है और सफ़ेद फूल अर्पित करे हैं। जो भी फूल आपको मिल जाए उन फूलों से आप पूजा कर सकते हैं, पर सफ़ेद फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पीले फूल मिले तो वो चढ़ाएं, या फिर अगर फूल ना भी मिले तो उनके बिना भी आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद जनेऊ चढ़ाएं, मोली चढ़ाएं। भगवान शिव और माता पार्वती को भी हम मोली अर्पित करेंगे, वस्त्रूपी मोली। आप चाहें तो माता को चुनरी भी उड़ा सकते हैं, बट मोली अर्पित करना और चुन्नी अर्पित करना एक ही बात है। इसके बाद भगवान शिव को आंकड़े के पुष्प अति प्रिय हैं तो उन्हें वो चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बेल का फल मिल जाए तो वो चढ़ाएं, अपराजिता के फूल चढ़ाएं, कनेर के फूल चढ़ाएं, और साथ ही साथ शमी पत्री मिल जाए तो वो भी चढ़ाएं। माता ने जंगल में जो भी सामान मिला था उन्हीं से भगवान शिव की पूजा करी थी, इसलिए उन्हें ये सब सामान अति प्रिय है। इसके बाद मैंने धतूरा चढ़ाया है, आंकड़े का फल मिल गया था तो वो भी चढ़ाया है। जो जो मिल जाए वो आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद जल अर्पित करेंगे भगवान जी को। मैंने पंचमेवा लिया है प्रसाद के रूप में। आप कुछ भी ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं, पेड़ा ले सकते हैं, दूध से बनी हुई कोई बर्फ़ी ले सकते हैं, और फल चढ़ा सकते हैं। जो भी आपको लेना हो प्रसाद में वो आप ले सकते हैं। अगर आपने शिवरात्रि का व्रत रखा हो तो व्रत वाला ही सामान आप चढ़ाएं, फिर आप सिर्फ दूध से बनी हुई मिठाई चढ़ाएं या मेवा चढ़ाएं या फल चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप दिखा देंगे भगवान जी को, और जैसा मैंने आपको बताया माता पार्वती को मेहंदी ज़रूर से लगाएं, और माता को मेहंदी लगाने के बाद खुद भी मेहंदी लगाएं। साथ ही साथ माता को सिंदूर लगाएं, और ये देखिए मोली में बांधकर मैं माता को हरी चूड़ियाँ अर्पित कर रही हूँ। माता को सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ आप ज़रूर से चढ़ाएं, एंड स्पेशली शिवरात्रि के दिन, क्योंकि सावन में हरे रंग का बहुत महत्व होता है और स्पेशली हरी चूड़ियों का महत्व होता है। तो मैंने मोली में बांधकर माता को हरी चूड़ियाँ अर्पित करी हैं। मोली भी एक तरीके से वस्त्रों का ही रूप होता है। इसके बाद भगवान जी की कपूर आरती कर देंगे और आपकी सावन की शिवरात्रि की पूजा कंप्लीट हो जाएगी। तो सावन की शिवरात्रि में आप पूजा ज़रूर से करें, अलग से चौकी लगाकर करें या अपने मंदिर में ही करें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।